हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने घर में स्वच्छित होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका जो नाम लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट की गोली सीरीज़, यानी कि कई सारे डाउट्स ऐसे होते हैं या जो भी दिक्कतें होती हैं, एज वी नो हम इंजीनियर्स हैं तो हमको पता होना चाहिए कि भाई व्हाट हाउ एंड व्हाई, ये तीन वर्ड्स हमको परेशान करते हैं। जैसे कि भाई मशीन साइकिल क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वॉट एवर जो भी, यानी कि ऐसा नहीं कि बस यही आपका, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो हमारा एक ये इनिशिएटिव है जिससे कि आपकी जो भी क्यूरियोसिटी रहती है, जो भी आपकी उत्सुकता रहती है किसी भी टॉपिक को लेकर, आप हमको बताइए, उस पर हम ट्राई करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देने का। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज में। आपका पहला वीडियो ये है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, आपको मज़ा भी आएगा और आप इसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट भी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मशीन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड टी स्टेट्स क्या होते हैं। ये आप 8085 में और 806 में पढ़ते हैं, बेसिकली ये टॉपिक्स जो पढ़ते हैं आप, और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जो 5-6-7 साल से मेरा जो एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें बच्चों को आती हैं। तो आइए समझते हैं आज के बाद से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले ये डाउट होता क्या है ये भी देखना जरूरी है ना। मान लो कोई बच्चा पहली बार देख रहा हो कि सर ये है क्या, ये समझा नहीं। तो आपने कभी ये देखा होगा बुक्स, कभी आपने पढ़ी होंगी 8085 की, तो वहाँ पे आप कुछ ऐसा देखते हैं कि 1 साइकिल 4 टी स्टेट, 2 साइकिल टी स्टेट कितने 7 हो गए, फिर या देख रहे हैं आप 4 साइकिल आपके हैं 13 टी स्टेट, ये कैसे होते हैं। तो आज हमारा मेन मोटो ये रहेगा। बाकी इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड होंगी, तो वो मैं फर्दर कंप्लीट करता रहूँगा, लेकिन आज हमारा मोटो है कि ये जो लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो हमको कंप्लीट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मशीन साइकिल होती क्या है बेसिकली, आइए देखते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड बाई द माइक्रो प्रोसेसर टू कम्प्लीट एन ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड मशीन साइकिल। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वन टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टी स्टेट, यानी कि ये दोनों में डिफरेंस है। ये आपका हो गया मशीन साइकिल, ये हो गया आपका टी स्टेट, खत्म, चलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर। डेफिनेशन तो बुक में आप ये है, लेकिन मुद्दा ये है कि सर ये है क्या। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। 10 मिनट मुझे और दीजिए, आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से। उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो म्यूपी होता है ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर जो भी आप यूज करते हैं आपका, वो उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है। i3 i7 आपका 8085 पहला माइक्रो प्रोसेसर आपका था, चाहे कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो, उस वो बस अपनी पूरी लाइफ में दो लोगों से ही बातें करता है। पहला मेमोरी से बात करेगा, दूसरा आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस से बात करेगा। मेमोरी में आप जानते हैं रैम होता है, रोम होता है, हार्ड डिस्क होता है, उनसे बातें करेगा। और बहुत ज़्यादा हुआ तो आपका जो इनपुट आउटपुट डिवाइस, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लैपटॉप का जो भी व्हाटएवर आपका डेस्कटॉप हो गया आपका, उसमें वेबकैम हो गया, बस इसके अलावा कोई तीसरा प्राणी हो जिससे बात कर रहा हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यही दो आदमी हैं जिससे आपका माइक्रो प्रोसेसर पूरी जिंदगी बात करता है। अच्छा, बात कैसे करता है, मुद्दा ये भी है, इन तीनों में दिमाग किसके पास है, माइक्रो प्रोसेसर के पास है, ना मेमोरी के पास है, ना इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास है। अगर ऐसा होता तो फिर समझ रहे हैं आप, तबाही मच जाती भाई साहब, ठीक है। यानी कि फिर पता लगा कि मीपी को डेटा चाहिए नहीं, लेकिन कीबोर्ड अपने आप उसको डेटा सेंड कर रहा है, भाई सही है फिर तो। हाँ, तो मीपी के पास दिमाग होता है। तो अब यहाँ पे जब बात ये करते हैं, तो बात कैसे करते हैं समझिएगा इसको आप ध्यान से। जब डेटा मेमोरी को देगा आपका मीपी, तो बोलते हैं उसको मेमोरी राइट ऑपरेशन। बहुत ध्यान समझिएगा, सोइएगा नहीं। जब डेटा आपका मीपी देगा मेमोरी को, तो क्या बोलेंगे, मेमोरी राइट ऑपरेशन, यानी कि आप कॉपी में कुछ लिख रहे हैं। जब डेटा आपका मेमोरी से आएगा मीपी के अंदर, तो उसको बोलते हैं रीड ऑपरेशन, यानी कि आपकी बुक है उसको आप पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ, रीड ऑपरेशन। तो रीड और राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर रीड कैसे होता है, राइट कैसे होता है। तो म्यूपी के रिस्पेक्ट में, म्यूपी के संदर्भ में ही आप बात करते हैं। अगर माइक्रो प्रोसेसर आपका डेटा देगा तो राइट, अगर लेगा तो रीड। राइट लिखना, रीड मतलब पढ़ना। अच्छा जी, अच्छा, यही केस आपका इनपुट आउटपुट में होता है भाई, कीबोर्ड माउस से डेटा वो लेगा, यानी कि रीड ऑपरेशन, और उसको प्रोसेस करके आपके मॉनिटर में, जो आपका डिस्प्ले है LED LCD जो भी आप यूज करते हैं आपके लैपटॉप में, वो डिस्प्ले कर देगा, दैट इज योर राइट ऑपरेशन। बात समझ में आया, प्रिंटर आपका राइट ऑपरेशन, क्लियर। तो यही काम उसका होता है, आप सोचना, इसके अलावा वो किसी बात नहीं करता, यही दो आदमी हैं। अब इनपुट आउटपुट सब कुछ आ जाता है, स्कैनर, प्रिंटर, जो भी आप काम करने वाले हो सब इसके अंदर आ जाता है। सो क्या देखा आपने कि भैया मेमोरी रीड हो, मेमोरी राइट हो, इनपुट आउटपुट रीड हो या इनपुट आउटपुट राइट हो, इन सभी केस में आपका 3T स्टेट ही लगने वाला है। आप कोड फेच क्या है, अभी बात करेंगे, पहले इन चारों को निपटा लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सर ये 3T स्टेट क्या होता है,
आइए समझते हैं फिर से इसको अगेन। तो अब क्या हुआ कि अगर मुझे रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना है तो उसके लिए मुझे तीन टी स्टेट चाहिए होती हैं। टी स्टैंड्स फॉर ट्रिगर, यानी कि टी का मतलब होता है ट्रिगर करना, जगाना। अगर आपके म्यूपी को जगाना है तो ऐसे तो धक्का दोगे नहीं कि भैया उठो उठो उठो, ऐसा तो है नहीं। जगाने के लिए आप क्लॉक देते हैं, जो 5 मेगाहर्ट्ज़ आप बोलते हैं ना 8085 में आपका जो होता है, तो वो क्लॉक देना ही होता है ट्रिगर करना। आपने एक बार क्लॉक दी ट्रिगर कर गया, फिर आपका क्लॉक दी फिर ट्रिगर कर गया, ठीक है। सो क्या देखा आपने कि भाई अगर आपको मेमोरी रीड या मेमोरी राइट ऑपरेशन करना है तो क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है कि चाहे रीड हो चाहे राइट हो, चाहे मेमोरी हो चाहे इनपुट आउटपुट, सब केस में 3T आने वाला है। वो 3T कैसे आता है वो समझते हैं। सो क्या देखा आपने कि म्यूपी जो आपका है कि भैया आपका यहां से रीड आप बजाएगा, ओके। तो कैसे होगा, पहले आप एड्रेस जनरेट करेंगे, चाहे आपको लिखना हो या पढ़ना हो, दोनों ही केस में आपको एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे पहला काम एड्रेस ही होता है, ये मैंने आर्किटेक्चर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके वहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से पूरा आर्किटेक्चर मैंने बताया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आपका बना हुआ है 8085 आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले ट्रिगर में आपने एड्रेस जनरेट किया, ट्रिगर किया आपने, ठीक है, आपने ट्रिगर कर दिया। अच्छा, अब जैसे ही आपने एड्रेस जनरेट किया, मान लो 1234 आपने किया, तो 1234 आपका एड्रेस जनरेट हो चुका है। अब वो जाएगा कहाँ पे, मेमोरी में जाएगा। अगर आपका मेमोरी रीड ऑपरेशन है तो मेमोरी में जाएगा, अगर आपका इनपुट ऑपरेशन है तो उसमें जाएगा। चलिए भाई, गया आपका ये। अब ये सर्च करता रहेगा, क्या ये लाइफ टाइम सर्च करता रहेगा क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होगा, आपका जैसे ही आपको एड्रेस मिलेगा तो उसको वो एक ट्रिगर देना पड़ेगा फट से, तो सेकेंड ट्रिगर में वो एड्रेस को लॉक कर देगा और डेटा आपका आना शुरू होगा, यानी कि एड्रेस लॉक किया अब डेटा मांगेगा कि लाओ भाई डेटा दो मुझे। ये आपका हो गया दूसरे ट्रिगर में। और तीसरे ट्रिगर में क्या होता है, जब आपका दूसरा ट्रिगर आपका डेटा ऐसे गया, आपका म्यूपी के अंदर आ गया है, अब वो घूमता रहेगा टहलता रहेगा, तो क्या टहलता हुआ अच्छा लगेगा, वो नहीं, उसका जो प्लेस है वहां पे उसको आप स्टेबलाइज कर दीजिए। तो तीसरा ट्रिगर जो होता है वो उसको क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, मतलब जहां पे उसकी जो जगह है वहां वो उसको रोक लेता है। यानी कि तीन स्टेट्स में आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो मेमोरी रीड हो चाहे मेमोरी राइट हो, चाहे आपका इनपुट आउटपुट रीड हो चाहे आपका इनपुट आउटपुट राइट हो, क्लियर है। चले, सो क्या देखा आपने भाई साहब कि भैया आपका इन सभी ऑपरेशंस के लिए, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, इन सभी के लिए आपका 3T ही लगेगा। अच्छा, अब आते हैं दोबारा डेफिनेशन पे। द टाइम रिक्वायर्ड बाई द माइक्रो प्रोसेसर टू कंप्लीट एन ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी और इनपुट डिवाइस कॉल्ड मशीन साइकिल, यानी कि कंप्लीट ऑपरेशन मेमोरी रीड जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका मशीन साइकिल चलता रहता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेमोरी रीड के लिए 3T स्टेट लगा इक्वल टू 1 मशीन साइकिल, मेमोरी राइट के लिए 1 मशीन साइकिल, इनपुट आउटपुट के लिए 1 मशीन साइकिल और आपका इसके लिए 1 साइकिल। तो बच्चों का मैं ये बैठता है कि 1 मशीन साइकिल इक्वल टू होता है 3T स्टेट, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपका 3T स्टेट ही होगा। वो डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेशन कितना फास्ट या कितना स्लो खत्म होता है। अब यही बात करते हैं ऑपकोड फेच की। पहले ऑपकोड फेच भी मेमोरी रीड का ही ऑपरेशन होता है, यानी आप रीड करते हैं मेमोरी आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेम वही प्रोसेस आपका, पहले आप एड्रेस जनरेट करेंगे, फिर डेटा आप क्या करेंगे, एड्रेस जनरेट करके लॉक करेंगे उसको, डेटा आपका आएगा दूसरे में और तीसरे में आपका जब म्यूपी पहुंचेगा तो उसको आप लॉक कर देंगे तीसरे वाले में। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करते हैं आप, उसको आप डिकोड करते हैं, क्योंकि भाई जो भी आपका नंबर आएगा उसको डिकोड करना पड़ेगा ना कि भाई है क्या ये, करना क्या है इसका मुझे। तो सबसे पहला ऑपरेशन आपका ऑपकोड फेच ही होता है, किसी भी साइकिल के लिए बात करेंगे तो। कोई भी इंस्ट्रक्शन आपका होगा पहला आपका ऑपकोड फेच ही होगा, उसके बाद कोई और होगा। तो जो एक्स्ट्रा यहाँ पर देख रहे हैं ना, 4 आपका, 3 के बाद 1 आपका, 4 एक्स्ट्रा क्यों लगा, वो आपका इसलिए लगा क्योंकि आपको डिकोड करना है। डिकोड करने के लिए आप एक्स्ट्रा लगाइए। अच्छा, कुछ में आपका 60 लगता है, वो क्यों लगता है उसके लिए अलग से हम बना देंगे वीडियो, डोंट वरी अबाउट दैट। और इसका एक शॉर्टकट है क्रिस्प, आपका CRISP, आपका कॉल रिटर्न जो भी आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं वो 60 लेते हैं। कैसे होता है वो हम आगे बात करेंगे, फिलहाल भी हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाई 3T क्यों होता है, 4T क्यों होता है। तो क्या आप ये बोलेंगे मशीन साइकिल की भाई 3T होता है, मशीन साइकिल तो 4T भी है, यानी 4T मिलके क्या हुआ, एक मशीन साइकिल हुआ। अब 3T मिलके भी क्या हुआ, एक मशीन साइकिल हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मशीन साइकिल क्या मतलब कि 3T ही होगा या 4T ही होगा, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे। अगर आपको फेच है तो 4T रहेगा, अगर रीड है तो 3T रहेगा, कुछ आपका 60 भी हो जाता है।
तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, भाई मशीन साइकिल आपका एक बड़ी यूनिट है और आपका जो टी स्टेट आपका है वो छोटी यूनिट है, जैसे 1 T state, 2 T state, आपका टी मतलब ट्रिगर आपका, भाई 3 MHz आपने जैसे बोला आपके MIUI में जो भी आप क्लॉक देते हैं डिपेंड ऑन 8085 है कि 8051 है कि आपका 8086 है, वो डिपेंड ऑन कंडीशंस आपका, जो आप क्लॉक देते हैं उसकी बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ देते हैं, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, आइए समझते हैं एग्जांपल जो मैंने आपको स्टार्टिंग दिखाया था, अब इसको समझते हैं ध्यान से और देखिएगा। मूव ए कॉमा बी, ये आपका जो है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, एड्रेसिंग मोड आपका सेपरेट टॉपिक है, मैंने वो पढ़ाया हुआ है एप्लीकेशन पे, आप वो जाके देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बाकी अभी हमारा मोटो वो नहीं है, मोटो हमारा ये है कि ये कैसे हम करेंगे। आप देखो मूव ए कॉमा बी आपका 1 byte इंस्ट्रक्शन है, 1 cycle आपका है, 4 T लगेगा, बात खत्म। अच्छा इसका मतलब क्या होता है मूव ए कॉमा बी का, जो भी बी में कंटेंट है वो आपका ए में आ जाए, तो इसको बोलेंगे क्या आपका पूरा ही मसाइकल आपका। अच्छा MVIC 23 आपका देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब होता है मूव इमीजिएट, ये आपका इमीजिएट एड्रेसिंग मोड है, यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन में ही डेटा होता है, या पढ़ते हैं एड्रेसिंग मोड्स में, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, आपकी डिमांड के ऊपर, ठीक है, जैसा आप बोलेंगे वैसा कर देंगे। तो ये जब इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा तो पहले आपका होगा MVIC आपका अपकोड फेच होगा, उसके लिए लगेगा 40 लगेगा, मैंने बताया क्यों लगेगा 40, पहले आपका एड्रेस, फिर आपका डेटा, फिर आपका लॉक करेंगे उस डेटा को MIUI में, फिर आपका डिकोड करेगा, वो आपका 40 हो गया, फिर 23 क्या करेगा वो रीड करेगा, तो आपका भाई रीड ऑपरेशन हो गया। तो यहाँ से क्या होगा कि जब ये पूरा इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा तो आपका 23 आपके सी में आ जाएगा। तो 2 मशीन साइकिल, 7 T state। अब यहाँ बात करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल की, तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो क्या देखा आपने कि भाई आपका 4T रहा तो 1 मशीन साइकिल, 3T रहा 1 मशीन साइकिल, यानी कि यहाँ पे आपको 2 मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट है। और आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, नाम से ही लग रहा है इंस्ट्रक्शन साइकिल, यानी कि जब तक आपका पूरा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल चलता रहेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इंस्ट्रक्शन साइकिल इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द टाइमिंग डायग्राम, बात सही है। तो सबसे बड़ा होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल, फिर आपका आता है मशीन साइकिल, फिर आपका आता है टी स्टेट। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होती है बच्चों को, बहुत ज़्यादा वो रटते बैठते हैं, मैंने देखा है ऐसा, ऐसा सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आई होप आपको आज से दिक्कत कभी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1 आपका इंस्ट्रक्शन है, 2 आपका मशीन साइकिल और आपका 7 T state। थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा, आपका LDA 2000 है, यानी इसका मतलब होता है लोड द एक्यूमुलेटर कंटेंट प्रेजेंट एट 2000H, यानी कि जब ये इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा तो क्या बोलते हैं आपकी जो 2000 आपका एड्रेस है वहां पर जो डेटा है वो डेटा आपका ए में आ जाए, यहां पर जो आपका एड्रेस है, जो आपका डेटा है वो आपका ए में आ जाए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक जो 20 यहां पर अवेलेबल है 2000 में वो आपका ए में आ जाएगा। तो कैसे ये ऑपरेट होगा, LDA अपकोड फेचिंग 4T state, फिर 20 को, यानी कि आप एक डेफिनेशन और भी पढ़ते हैं कि 1 byte ऑफ डेटा, यानी कि 1 byte का जो डेटा होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने आने में आपका जो खर्च होता है उसको भी आप मशीन साइकिल बोल देते हैं। 1 byte ही ये ट्रांसफर कर पाता है आपका 8085, क्योंकि 8-bit प्रोसेस आपका है, 8-bit आपका 1 byte होता है, यानी कि एक बार में ये 1 byte ही डेटा ट्रांसफर करेगा। तो 20 आपका 1 byte हो गया, फिर 0 आपका 1 byte हो गया। तो इसके लिए आपका मेमोरी रीड, फिर आपका मेमोरी रीड, आपका 3T एंड 3T। तो यहां तक आपने क्या किया, इसको पूरा कंप्लीट रीड कर लिया। अभी आपका डेटा आया नहीं है भाई साहब, डेटा भी आपका 20 यहीं पे अटका हुआ है, उसके लिए आप एक और एक्स्ट्रा क्या करेंगे, मेमोरी रीड ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि आपका डेटा जो है मेमोरी से आ रहा है एक्यूमुलेटर में, अगर जाता तो राइट होता, अगर आएगा तो रीड होगा। तो क्या देखा आपने, 4T 3T 3T एंड 3T, आपका कितना सिंपल है, आसान है। ऐसे आपके 246 इंस्ट्रक्शंस हैं, सबको मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है ऐप में, आप उसको आगे देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा STA 2000 आपका जो है भाई यहाँ पे स्टोर करना है, जैसे वहां पे था ना कि आपका जो ए में डेटा, जो आपका 3000 में डेटा आपका था, जैसे यहाँ पे देखा था हमने 20 था वो ए में आ गया, अब जो ए में है वो आपका 3000 पे जाके स्टोर होना चाहिए। तो 3 तो आपके फिक्स हैं भाई, अपकोड फेच, मेमोरी रीड ये फिक्स है आपका। अब जो लास्ट होगा वो हो जाएगा राइट ऑपरेशन, यानी आपको राइट करना है, आप डेटा दे रहे हो मेमोरी के अंदर, अगेन आपका भाई 13 T state। अब समझ में बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आई होप आपका जो डाउट है ये क्लियर हुआ होगा। मैं सक्सेसफुली इसमें
कहते ना जो मेरा टारगेट था वो अचीव हुआ होगा। आपके कमेंट्स का मोस्ट वेलकम है, अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर आप उसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले कि हाँ आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ और भी दी जाएँ। कंसेप्ट की गोली ये कंटिन्यू रहेगा, आपको डेली या वीकली या जैसा भी रहेगा टाइम मिलेगा मैं आपको ऐसे वीडियोस देता रहूँगा, जिससे आपका टाइम बचेगा, आप फटाफट इसको स्पीड में कवर कर लेंगे और आपके जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके रिकॉल होते रहेंगे। रिलेशनशिप बना दूंगा मैं अलग से। बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है माइक्रोप्रोसेसर तो आपका ऐप है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, रत्नेश क्यूटेक नाम से आपका ये ऐप है, क्यूटेक देशपांडे नाम से, आप उसको इंस्टॉल कर दीजिए अपने मोबाइल में और जो भी दिक्कत है प्रॉब्लम है आप। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इंपॉर्टेंट है कि आपके कमेंट्स अगर जितने अच्छे आएंगे, अच्छे मतलब अगर कुछ भी लगा कि हाँ कुछ डाउट रह गया तो वो भी बताइएगा आप लोग कमेंट्स, और आपका जो इंगेजमेंट है, अगर आपको लगता है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो ऐसे वीडियोस के लिए तो मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, बाकी ऐप पे थोड़ी चीज़ अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट में। आपका जो नेक्स्ट रहेगा जो भी आप कहेंगे मैं करा दूंगा, बाकी उम्मीद मेरी ये है कि मैं आपको एडिसी मोड बताऊं या मैं आपको बता दूं भाई कि आपका जो भी है इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को ऐसे वीडियोज़ के लिए, और शेयर कीजिए दोस्तों मैक्सिमम, जिससे कि बच्चों को और हेल्प हो सके। ओके बाय बाय, टेक केयर, लाइक भी जरूर बनी। ओके बाय बाय।